अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। तो इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है और ज़िंदगी भर मांगता है, और अल्लाह ज़िंदगी भर दुआएं कबूल भी करता है, लेकिन इसको नज़र नहीं आता, किसी को भी नज़र नहीं आता कि अल्लाह दुआ कबूल करता है या नहीं। फिर अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ऐसे दुआ कबूल करने लग जाए कि आपने कहा ए अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे, ऑफिस गए बॉस ने कहा जनाब नए वज़ीरे आज़म ने जो ऐलान किया है उसकी मंजूरी हो गई, अगर ऐसे दुआ कबूल होना शुरू हो जाए तो गैब पर ईमान ख़त्म। तो आज मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ दुआ कबूलियत की एक सबसे बड़ी निशानी, जो सुन के आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरी दुआ कबूल हो रही है। तो ये सुन के आपको तसल्ली होगी। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अल्लाह हमें हाथ उठाने की तौफीक दी अपने दरबार में। अगर अल्लाह हमें अपने से मांगने की तौफीक दी, झोली फैलाने की तौफीक अता करी, तो अल्लाह का हमें ये तौफीक दे देना ही इस बात की प्रूफ है कि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर रहा है कि हमने जो हाथ उठाए अल्लाह के सामने, तो ये हाथ उठाने की जो हमें तौफीक मिली है ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत रखता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अगर वो हमारी दुआएं कबूल ना करता तो हमें अपने से मांगने की तौफीक ही क्यों देता। और आप ये समझ लीजिए कि हम इनविटेशन कार्ड किसी को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, जिन्हें हम बुलाना चाहते हैं। तो बस ऐसे ही अल्लाह अपने उस बंदे को दुआ मांगने की तौफीक देता है जिसे वो बहुत कुछ अता करना चाहता हो, जिससे वो प्यार करता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी ने हमारे मैसेज रिप्लाई कर दिया, हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह का हमें ये जो हाथ उठाने की तौफीक देना ही प्रूफ है, इस बात की निशानी है, अल्लाह का रिप्लाई है ये कि हम दुआएं कबूल कर रहे हैं। ये अल्लाह का रिस्पॉन्स है, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर रहा है। ये जो हम मांग रहे हैं ये हमारी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तरफ से ये निशानी है कि हम अल्लाह हमसे राज़ी है, वो हमारी दुआ कबूल कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। बस आपको सब्र करना होगा और अल्लाह पे तवक्कुल करना होगा। अल्लाह पे अगर तवक्कुल हो जाए तो सब कुछ आसान है, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।